हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर ड्रामा मूवी को, जिसका नाम है शट इन। कहानी के स्टार्ट होते ही हम मैरी और उसके हस्बैंड को बातचीत करते हुए देखते हैं। ये एक्चुअल में अपने बेटे स्टीफन को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इसके बारे में ये लोग अभी सोच ही रहे थे। मैरी को लगता है शायद ये डिसीजन गलत है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की थीं। स्टीफन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसे दूर भेजना यही सही डिसीजन होगा। स्टीफन के जाने के बाद मैरी उसके बचपन की सारी वीडियोस देख रही थी, उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन गाड़ी में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है सिर्फ तुम ही ये सब चाहते हो, मेरी माँ मुझे कभी दूर नहीं भेजेगी। उसके डैड कहते हैं ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं है, हम दोनों तुम्हारा भला ही चाहते हैं। स्टीफन काफ़ी ज़्यादा फाइट करने लगता है और गाड़ी संभल नहीं पाती, जिसकी वजह से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके फादर की इस सब में डेथ हो जाती है और स्टीफन पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता है। अब इस बात को काफ़ी मंथ हो चुके थे, स्टीफन की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था और अब उसका सारा ख्याल मैरी को ही रखना पड़ता है। वो उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाती है और उसका सब कुछ उसे ही करना पड़ता है। इसके बाद हम टीवी पर नोटिस करते हैं यहाँ पर बड़ा सा स्ट्रोम आने वाला है। मैरी एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसका एक पेशेंट था जिसका नाम टॉम था। एक्चुअल में टॉम के पेरेंट्स नहीं थे, वो एक ऑर्फनेज में रहता था। वो हमेशा लड़ता रहता था और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। उसकी इस परेशानी की वजह से उसे अलग अलग हॉस्टल में शिफ्ट किया जाता था। इस बार वो मैरी का पेशेंट था, उसने स्कूल में कुछ बच्चों को मारा था और अब उसका ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन मैरी कहती है अगर वो मेरे साथ कुछ और वक्त तक थेरेपीज करता रहा तो वो बेटर हो सकता है। वो अपने हर पेशेंट की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर उसकी बात को नहीं सुन और वो टॉम को लेकर जा रहे होते हैं। अगले सीन में मैरी अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट से बात कर रही थी। वो उससे कहती है मैं अकेले स्टीफन को संभाल नहीं पा रही हूँ, अब मुझे एक केयरटेकर अपने घर में रखनी होगी। यहाँ पर बातों बातों में हमें पता चलता है एक्चुअल में स्टीफन को दूर भेजने का प्लान मैरी का ही था। वो एक ही टाइम पर उसकी मदर और साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकती। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है, उसने स्टीफन को दूर भेजा और अब वो उससे बहुत दूर चला गया है। इसके बाद हम देखते हैं रात में जब वो स्टीफन को नहला रही होती है तब वो उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना था। वो अपने ड्रीम से उठी तब उसे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसे लगता है उसके घर में आज कोई घुस आया है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है तब वो कोई और नहीं टॉम ही था। वो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास से भाग आया था और उसने पुलिस को वहाँ जाने से मना कर दिया था। फिर वो टॉम को घर में लेकर आ जाती है और गवर्नमेंट ऑफिसर को कॉल कर देती है। टॉम फिर से वहाँ पर नहीं जाना चाहता था तो इसलिए वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। मैरी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ढूंढ नहीं पाती। अगली सुबह पुलिस आती है तब वो कहती है इतने टाइम से वो बाहर बर्फ में था, अब तक तो उसकी डेथ हो गई होगी। मैरी टॉम के लिए बहुत परेशान हो रही थी। आज रात फिर से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे बाहर से बहुत सी डरावनी आवाज आ रही थी। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तभी एक हाथ दरवाजा रोकने की कोशिश करता है। ये हाथ व्हीलचेयर पर बैठे स्टीफन का था, लेकिन ये भी उसका एक सपना ही होता है। इस सब के पीछे रीजन आपको आगे पता चलेगा। अगले दिन मैरी अपने एक दूसरे पेशेंट को ट्रीट कर रही थी, वो भी टॉम के बारे में बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर जाकर वो उस पेशेंट के फादर से मिलती है जिसका नाम डक होता है। डक कहता है यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रॉम आने वाला है, तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। मैरी कहती है मेरा बेटा स्टीफन पैरालाइज्ड है और मैं उसे बाहर कहीं नहीं लेकर जा सकती, इसलिए हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर डक मैरी को डेट के लिए पूछता है, लेकिन मैरी कहती है अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। ये सुनकर डक को बुरा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं आज रात मैरी टॉम को अपने बेडरूम में देखती है तो उसके पास आकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह वो रियलाइज करती है ये सिर्फ एक ड्रीम ही था। वो इन ड्रीम से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी तब वो अपने थेरेपिस्ट को कॉल करती है। उसे ये सब कुछ बहुत रियल लग रहा था। थेरेपिस्ट कहता है आजकल तुम बहुत स्ट्रेस में हो, इसी वजह से तुम ये सब इमेजिन कर रही हो। मैरी को लग रहा था टॉम की डेथ हो चुकी है और उसका भूत रात में मुझे देखने के लिए आया था। थेरेपिस्ट कहता है शायद तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसी वजह से तुम ये सब इमेजिन कर रही हो। तुमने मुझसे पहले बात की थी जैसे स्टीफन बड़ा हो रहा है तो तुम उसे खुद ही इमेजिन कर रही हो, उसका बचपन का रूप तुम्हारे सामने आता है। मैरी भी इन सब चीजों को जाने देती है। थेरेपिस्ट उसे एडवाइस देता है तुम अपने ब्लड टेस्ट करवा लो। एक लेडी उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए आती है, वो कहती है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, शायद उसकी हेल्थ का यही रीजन था।
वो सब कुछ देख रही है। इसके बाद फिर उसकी असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आती है। असिस्टेंट कहती है, सुपर शॉप में मैं डग से मिली थी, उसने तुमसे जो भी बात की थी तो उसको इसके लिए बुरा लग रहा था। मैरी कहती है, इसमें मेरी भी गलती है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गई थी। इसके बाद वो डग को कॉल करती है और रात में दोनों डिनर करते हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं, बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो हमें लगता है ये कोई अलग पर्सन ही है। यहाँ पर बातों बातों में हमें पता लगता है मैरी एक्चुअल में स्टीफन की स्टेप मदर है। वो बहुत ही छोटा था जब उसकी मदर की डेथ हो गई, उसे बचपन से ही मैरी ने ही बड़ा किया है। इसके बाद हम देखते हैं जब आधी रात में मैरी की नींद खुलती है तब उसे स्टीफन कहीं नहीं दिख रहा था। बाउंड्री के पास से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो उसे एक हाथ पकड़ लेता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और फिर वो यहीं पर सो जाती है। सुबह उठकर उसे लगता है शायद ये एक ड्रीम है। जब वो स्टीफन के रूम में आती है तब वो अपने बेड पर था। वो उसे देखती है और उसके गाल पर एक मार्क होता है। वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और साइकोलॉजिस्ट को कॉल करती है। साइकोलॉजिस्ट कहता है, तुम्हारी रिपोर्ट आने दो, इसके बाद हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद टीवी पर एक न्यूज़ आती है, टॉम की डेथ हो चुकी है। मैरी को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद रात में जब वो चीज़ें रख रही थी तभी वहाँ पर डक आ जाता है। वो उसे कहता है, आज रात स्ट्रॉम आने वाला है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैरी उसे मना कर देती है। फिर डक कहता है, टॉम की डेथ नहीं हुई है, उन्हें जो लड़का मिला था वो कोई और था। उसे ये बात सुनकर अच्छा लगा। स्ट्रॉम से बचने के लिए वो सब कुछ रेडी कर रही थी, इसलिए वो डक को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर रात में उसने फिर से अपने थेरेपिस्ट से बात की। थेरेपिस्ट उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो कहता है, तुम अपनी मेडिसिन को मिस कर रही हो, अगर तुम्हें नींद की गोलियों की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता सकती थी। तुम्हें स्टीफन की गोलियां लेने की क्या ज़रूरत थी, तुमने अपनी और स्टीफन दोनों की जान खतरे में डाली है। लेकिन मैरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। फिर वो यहाँ से चली जाती है और इस सब में वीडियो कॉल ऑन ही रह जाता है। फिर उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। जब वो उसे देखने के लिए जाती है तब उसके पीछे टॉम था। फिर पीछे से स्टीफन आकर उसे बेहोश कर देता है। वीडियो कॉल पर साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया स्टीफन घर में घूम रहा है। वो ये देखकर डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन ने अब डायरेक्टली मैरी को बांध दिया है। वो पूछती है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब स्टीफन कहता है, जिस तरीके से तुम मेरा ख्याल रखती थी अब ऐसे ही मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैरी पूछती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ। स्टीफन कहता है, ये सपना नहीं है, मैं एक्सीडेंट के बाद मूव नहीं करना चाहता था और तुम सब लोगों को लगा मैं पैरालाइज्ड हो चुका हूँ। ये सब मैंने नाटक किया, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन तभी टॉम आ गया और तुम उसकी वजह से मुझे दूर भेजना चाहती थी, मैं उसे घर में नहीं रहने दे सकता था। मैरी पूछती है, क्या तुमने उसे मार डाला। स्टीफन कहता है, वो अभी जिंदा है, लेकिन तुम मेरे अलावा सबको प्रायोरिटी देती हो। इसका मतलब था मैरी अभी तक जो कुछ भी देख रही थी ये सब रियल था, ये उसका कोई ड्रीम नहीं था। स्टीफन से बचकर वो घर में छुप रहा था। बेसमेंट में एक टनल है जहाँ पर लॉन्ड्री रखने के लिए एक जगह है। इन सारी जगहों पर वो छुपता रहता है। अब स्टीफन टॉम को मार डालेगा। इसके बाद वो मैरी के साथ अकेला रहना चाहता है। साइकोलॉजिस्ट स्टीफन को देखकर डायरेक्टली अब मैरी के घर पर आ रहा था, उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। इसके बाद स्टीफन टॉम को मारने के लिए चला जाता है। मैरी के हाथ बंधे हुए थे, उसने बहुत ट्राई किया और अपने आप को छुड़ा लिया। स्टीफन मैरी को गोलियां देता था जिसकी वजह से वो रात में बेहोश हो जाती थी। मैरी बेसमेंट में आती और वो देखती है स्टीफन ने टॉम को बांध दिया है, वो टॉम को मारने ही वाला था। मैरी कहती है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो। स्टीफन कहता है, तुम मुझे टॉम के साथ रिप्लेस करने वाली हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैरी स्टीफन को समझाती है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये बस एक एक्सीडेंट था। स्टीफन कहता है, वो एक्सीडेंट नहीं था, मैं तुमसे दूर ना जाऊं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता था। उसे लगता है उसने जानबूझकर अपने फादर को मार दिया। उस एक्सीडेंट के बाद उसमें मेंटल प्रॉब्लम आ चुकी थी। मैरी जोर से स्टीफन को मारती है और बेसमेंट में बंद कर देती है। इसके बाद वो टॉम को पर लेकर आती है। टॉम बहुत ही डर जाता है जिसकी वजह से टॉम क्लोजेट में छुप जाता है। मैरी बाहर जाकर ऐसा दिखाती है कि जैसे वो भाग चुकी है, लेकिन वो फिर से अंदर आ जाती है। स्टीफन बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और अब वो पूरे घर में उन्हें ढूंढ रहा था। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो मैरी के कदमों के निशान उसे देखते हैं। वो बहुत ही स्मार्ट है और वो समझ जाता है मैरी अभी भी घर के अंदर ही है। वो हर जगह पर उसे ढूंढ रहा था, तभी वहां पर साइकोलॉजिस्ट पहुंच जाता है। अचानक से स्टीफन उसके सामने आकर उस पर चाकू
चाकू से हमला कर देता है। वो कहता है, तुमने उससे कहा था मुझे दूर भेजना है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों को कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। इसके बाद स्टीफन पूरे घर को ब्लॉक कर रहा था, वो ऊपर की खिड़कियाँ बंद करने जाता है। तभी मैरी बाहर निकल कर देखती है, तब उसे डक की बॉडी पड़ी दिखाई देती है। वो मैरी को डेट कर रहा था, ये बात स्टीफन को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उसने डक को मार डाला। मैरी फिर साइकोलॉजिस्ट को जख्मी हालत में देखती है। साइकोलॉजिस्ट कहता है, उसे जो भी लगता है तुम उसके लिए सिर्फ हाँ कहो, इसी के साथ ही तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। वो जल्दी से टॉम को किचन में लेकर जाती है और वहाँ की विंडो से वो उसे बाहर निकाल देती है। स्टीफन टॉम को मारने वाला था, लेकिन मैरी उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है, अब वो दूर जा चुका है, अब सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे हमेशा के लिए। वो मैरी को भी हर्ट करने वाला था। फिर मैरी एक पैन से स्टीफन को हर्ट कर देती है। तभी टॉम और मैरी जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। स्टीफन अभी भी होश में था, वो टॉम के पीछे भागता है। वो भागते हुए एक लेक के पास जा रहे थे, तभी स्टीफन मैरी पर हमला कर देता है। इसके बाद वो टॉम को मारने के लिए आगे चला जाता है। वो टॉम को पानी में डुबा रहा था, तभी भागते हुए मैरी टॉम को बचाने के लिए आती है और वो स्टीफन का हैमर लेकर स्टीफन के सर पर मार देती है। मैरी तो पहले ही स्टीफन को एक्सीडेंट में खो चुकी थी और अब जो स्टीफन लौट कर आया है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं था। वो टॉम को मार देता है। इसके अलावा मैरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं, मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है और अब मैरी टॉम को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेती है। ये दोनों अब अलग सिटी में आ चुके हैं। टॉम अब उसके साथ खुश था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।